गाइस, इस संबंध में तो आज हम एक नए कॉलेज रिव्यू के साथ आ चुके हैं। आज बेसिकली हम कॉलेज रिव्यू करने वाले हैं छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी CSJMU के इंजीनियरिंग कैंपस के बारे में। इसका इंजीनियरिंग कैंपस जो है उसका नाम है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, और ये बेसिकली 1996 में स्टेबलाइज किया गया था। बात करें कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करता है, तो ये बेसिकली बीटेक कोर्सेज ऑफर करता है, बीसीए कोर्सेज ऑफर करता है, एमसीए करता है और पीजी डिप्लोमा के कोर्सेज भी ऑफर करता है। बात करते हैं आज हम केवल और केवल यहाँ पे चर्चा करेंगे बीटेक के बारे में। बीटेक के बारे में, अगर बीटेक में यहाँ पे एडमिशन लेना है तो आपको जेईई मेंस का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके थ्रू आपको यूपीसीटी की काउंसलिंग में बैठना पड़ेगा। देन इस कॉलेज में को आप फिल चॉइस फिलिंग में फिल करोगे, फिर ये आपको अलॉटमेंट में मिलेगा। बात करते हैं बीटेक में कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करता है। तो बीटेक में बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, पहले यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच थी लेकिन उसे हटा के अब यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ला दी गई है, एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इसके बाद ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग का कोर्स ऑफर करता है। एंड बात करते हैं इसका कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो यार, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ब्यूटीफुल है, कुछ क्लिफ है कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर की आप देख पा रहे होंगे। तो अगर आप बात करोगे यूपी की यूनिवर्सिटी की, तो आई थिंक यूपी में शायद ही कोई ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जिसका इंजीनियरिंग कैंपस शायद ही इतना ब्यूटीफुल होते हैं। ओवरऑल इसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है यूपी स्टेट यूनिवर्सिटी के नज़रिए से देखेंगे तो। एंड बात करते हैं अब यहाँ पे कौन कौन से फेस्ट होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कल्चरल फेस्ट होते हैं, कल्चरल फेस्ट के कुछ एक क्लिप्स हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे डांस वगैरह होते रहते हैं। आप अगर चाहो तो, अगर इस कॉलेज में आ रहे हो तो इन्हें इंजॉय कर सकते हैं। एंड टेक्निकल फेस्ट कौन से होते हैं, तो टेक्निकल फेस्ट यहाँ पे रोबोटिक्स होते हैं, रोबोटिक्स फेस्ट की यहाँ पे एक क्लिप है आप देख सकते हैं कैसा फेस्ट होता है। बेसिकली ये भी काफ़ी शानदार टेक्निकल फेस्ट है, ठीक है। एंड बात करते हैं यहाँ पे सेमिनार्स वगैरह की, तो यार ये यूपी की शायद ही पहली यूनिवर्सिटी है जो सेमिनार के मामले में काफ़ी अच्छी है। मतलब शायद ही किसी यूनिवर्सिटी में या यूपी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे तो आईटी लखनऊ के बाद शायद अच्छे सेमिनार शायद ही किसी कॉलेज में मिले, बट इस कॉलेज में आपको अच्छे सेमिनार मिलेंगे। मतलब साल भर में आपको 2 से 3 सेमिनार देखने को मिलेंगे, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड देन बात करते हैं यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटी की, तो यहाँ पे जो स्पोर्ट्स फैसिलिटी आपको मिलने वाली है वो क्रिकेट और बैडमिंटन की मिलने वाली है। क्रिकेट ग्राउंड भी इसका अपना है एंड बैडमिंटन ग्राउंड भी है, तो यहाँ पे आप अगर क्रिकेट या बैडमिंटन में इंटरेस्टेड हैं तो फिर यहाँ पे इसकी फैसिलिटी आपको मिलेंगी। देन बात करते हैं यार यहाँ पे कॉलेज रूम क्लासरूम के बारे में, क्लासरूम कैसे हैं। तो क्लासरूम यार ओवरऑल अच्छे हैं, आप एफिक हैं देख सकते हैं, इस तरीके से क्लासरूम है वीकलिप में देख सकते हैं। तो यार क्लासरूम को बहुत अच्छा तो नहीं बोला जा सकता, बट एक यूपी के कॉलेज स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजों के लिहाजा एक काफ़ी अच्छा क्लासरूम बोल सकते हो। एंड देन कंप्यूटर लैब की बात करोगे तो कंप्यूटर लैब यार यहाँ की काफ़ी अच्छी हैं, और ये भी अगर हम यूपी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज के हिसाब से देखें तो यहाँ की जो कंप्यूटर लैब है काफ़ी अच्छी हैं। अगर आप चाहें तो इस क्लिप के जरिए देख सकते हैं। अदर्स लैब भी अगर आप कोर लैब देखें तो कोर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की लैब भी काफ़ी अच्छी हैं, अगर आप चाहें तो इस क्लिप के थ्रू आप देख सकते हैं कोर्स लैब हैं, ये आपको काफ़ी अच्छी दिखेंगी। फैकल्टी की बात करोगे, फैकल्टी ऑल ओवरऑल ठीक ठाक है, ठीक है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैकल्टी नहीं है लेकिन ऐसा नहीं है, एक अच्छी फैकल्टी है, खराब फैकल्टी भी नहीं बोल सकते। अगर कॉलेज में आप एफर्ट डाल रहे हैं तो फैकल्टी आपके लिए अच्छी रहेगी। फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे जो पड़ेगा आपका 83,000 पर एनम का फीस स्ट्रक्चर पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए अगर आप एलिजिबल रहोगे तो स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करोगे तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी, लेकिन आपकी जो फीस पड़ेगी वो 83,000 पर एनम पड़ेगी। सेकेंड बात करते हैं इसके हॉस्टल की, हॉस्टल इसके कैसे हैं। तो यार यहाँ पे हॉस्टल जो है बेसिकली 2 टाइप के हॉस्टल मिलेंगे बॉयज़ के लिए, एक ओल्ड हॉस्टल एक न्यू हॉस्टल। जो ओल्ड हॉस्टल है उनकी फैसिलिटी थोड़ी सी कम अच्छी है कंपेयर देन न्यू हॉस्टल, मतलब वहाँ पे फूड क्वालिटी और थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा कम अच्छा है ओल्ड हॉस्टल का। बट हाँ, ओल्ड हॉस्टल का जो रेंट है वो 20,000 पर एनम पड़ेगा, 20,000 यहाँ का हॉस्टल यार, अगर न्यू हॉस्टल लोगे तो 29,000 पर एनम पड़ेगा। तो यहाँ का जो हॉस्टल चार्ज है काफ़ी सस्ता है यार, 20,000 पर एनम में आपके मेस वगैरह सारी चीज़ें इंक्लूड रहेगी, आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। एंड यार जो यहाँ का न्यू ओल्ड हॉस्टल है वो 20,000 में मिल रहा है, न्यू हॉस्टल आपको 9,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, 29,000 में मिल जाएगा। मेस की फूड क्वालिटी अगर देखोगे तो न्यू हॉस्टल की थोड़ी सी अच्छी रहती है, एंड ओल्ड हॉस्टल की बात करोगे तो यार थोड़ी सी कंपेयर देन
न्यू हॉस्टल पुअर भी रहती है। और बात एंड बात करेंगे यार इसके हॉस्टल में जो नेट स्पीड है वो कितनी रहेगी। नेट स्पीड यार यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिलेंगी आपको, 65 MB/s की स्पीड मिल जाती है। गर्ल्स हॉस्टल भी यार यहाँ के काफ़ी अच्छे हैं, वहाँ भी ये सारी फैसिलिटी काफ़ी अच्छी मिलेंगी। ठीक है, बस फूड की क्वालिटी आई थिंक बॉयज़ हॉस्टल के कंपेयर में गर्ल्स हॉस्टल को देखोगे तो गर्ल्स हॉस्टल के फूड काफ़ी अच्छे रहते हैं कंपेयर देन बॉयज़ हॉस्टल। बात करते हैं हॉस्टल के रूम कैसे हैं यार। हॉस्टल के रूम जो न्यू हॉस्टल है उसके रूम तो काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है, पेंटिंग पेंट वगैरह काफ़ी अच्छे हैं रूम के, अभी काफ़ी अच्छे कंडीशन में है। लेकिन जो ओल्ड हॉस्टल है यार उनका थोड़ा सा मतलब पेंट वगैरह ख़राब हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा ख़राब हो चुका है। बट यार अगर आप थोड़ा से फैमिली से वीक कंडीशन फैमिली में थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है तो आप ओल्ड हॉस्टल भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि एकदम ख़राब है और रहने लायक नहीं है। यूपी में जो और कॉलेज हैं उनसे कंपेयर करोगे तो ओल्ड हॉस्टल भी यहाँ का काफ़ी अच्छा है। अब यार इसके प्लेसमेंट की बात करोगे तो इसने कुछ अपने स्टैटिक UIT ने अपने स्टैटिक्स कुछ अपने वेबसाइट पे दे रखी हैं, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कई सारी इन्फॉर्मेशन मैं स्टूडेंट से लिया हूँ, प्लेसमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज मैं सारी इन्फॉर्मेशन बेसिकली स्टूडेंट से लिया हूँ। ठीक है, तो मैं वो सारी चीज़ें आपसे मेंशन करूँगा और ये बातें सही है या नहीं ये चीज़ भी मैं फाइनली आपको बताऊंगा, और किस स्टूडेंट से मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन ली है इसे भी मैं फाइनली आपको लास्ट में उस स्टूडेंट का नाम और इंस्टा आईडी दूंगा ताकि आप कनेक्ट करके इन चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हैं। तो यार बात करेंगे जो प्लेसमेंट की 2019 और 2020 में प्लेसमेंट के जो आलम है इस कॉलेज के, काफ़ी यार देखोगे यूपी कॉलेज के अदर कॉलेज के यूपी स्टेट के अदर कॉलेज के कंपेयर करोगे लाइक REC BIT NIT इन कॉलेज से कंपेयर करोगे तो शायद इस कॉलेज का प्लेसमेंट थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है, अब यार बात करोगे यहाँ पे जो कंपनी विजिट की थी TCS विजिट की थी, ठीक है, इसने शायद 2019 में कई सारे 10 ऐसे स्टूडेंट थे जिन्हें प्लेसमेंट किया था। BTEC के इन्होंने 9 स्टूडेंट को प्लेस किया था और ये लखनऊ की TCS ने मतलब इन सब की जॉब लखनऊ में लगी थी। ठीक है, लेकिन बात करते हैं इन्फोसिस की, इन्फोसिस विजिट की थी PSIT में, PSIT कानपुर में ही है तो यहाँ के बच्चे PSIT में भी गए थे तो उसके थ्रू वहाँ पे एक सुशांत उपाध्याय जी हैं, उन्होंने IT ब्रांच से यहाँ से UIT से BTEC किए हुए थे जिन्हें BTEC में प्लेसमेंट लगी थी। और यहाँ पे जो ऑन कैंपस कंपनी आई थी TCS के बाद वो आई थी W3 व्हीलर टेक्नोलॉजी आई थी और ये ऑन कैंपस विजिट की थी और इसमें प्लेसमेंट में बैठने के लिए अप्लीकेबल थे CS, IT, MCA, BCA के स्टूडेंट। 85 स्टूडेंट कॉलेज से बैठे थे UIT से और मात्र उसमें 3 बच्चे प्लेसमेंट हुए थे, चेतन मौर्य नाम है, अमित यादव नाम है, धीरज कुमार गुप्ता। चेतन मौर्य IT से थे, अमित और धीरज दोनों CSE ब्रांच से थे। और ग्लोबल लॉजिकल आई थी MPEC में, ये भी कानपुर का एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। ठीक है, यहाँ पे आई थी ग्लोबल लॉजिक और यहाँ से बच्चे गए थे UIT से, कुछ बच्चे गए थे वहाँ पे। ठीक है, जिसमें 4 बच्चे UIT के, 90 बच्चे UIT से गए थे जिसमें 4 बच्चे प्लेस हो गए थे। उसमें जो प्लेसमेंट पाए थे आकाश वर्मा, अनुराग, मानसी, अविनाश, ये 3 बच्चे थे और चारों बच्चे CSE से ही थे तो ये लोग प्लेसमेंट पा गए थे। विप्रो इस कॉलेज में विजिट की थी, ठीक है, और विप्रो में यहाँ से UIT से 7-8 बच्चे प्लेस हुए थे और इन सबके नाम मेंशन है। ठीक है, अगर चाहो तो वीडियो पॉज करके देख सकते हो। और बेबकुल है यहाँ पे एक कंपनी, ये भी आई थी, इसने आई थिंक यहाँ पे 45 बच्चे बैठे थे इस कंपनी में। ठीक है, और यहाँ पे धीरज प्लेस हुए थे, धीरज इसके पहले भी एक बार प्लेसमेंट पा चुके थे तो उन्होंने दोबारा लिया था। धीरज इसके पहले W3 व्हीलर टेक्नोलॉजी में भी प्लेस हुए थे CSE ब्रांच से थे और यहाँ पे बेबकुल में भी वो प्लेस हो गए थे जो कि MPEC में विजिट की थी। ठीक है, और जो यहाँ पे अदर और कंपनी आई थी उसका नाम है ऑप्टिमस, ये भी MPEC में आई थी। तो महाराणा प्रताप इंजीनियरिंग कॉलेज जो है काफ़ी अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ से ये बात लगा सकते हो कि मैक्सिमम कंपनी MPEC या PSIT में ही आई थी। मैं बहुत जल्द इनके बारे में वीडियो बनाऊंगा। MPEC जो कॉलेज है यहाँ पे देख सकते हो UIT का एक बच्चा गया था, 6 बच्चे गए थे जिसमें एक बच्चा प्लेस हुआ था। और जारो एजुकेशन ए ऑन कैंपस आई थी और BTEC MCA BCA MBA स्टूडेंट को बैठने दिया था और इसमें 2 बच्चे प्लेस हुए थे, एक मैकेनिकल मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग से प्लेस हुआ था, एक CSE से प्लेस हुआ था। और दूसरी यहाँ पे आएगी सुपर लॉजिक प्राइवेट लिमिटेड, ये भी IT ब्रांच के प्लेस की थी। MPS टेक्नोलॉजी आई थी MPE में, यहाँ के बच्चे वहाँ पे गए थे। तो ये ऐसे देख सकते हो कई सारे प्लेसमेंट हैं जो मैंने दे रखे हैं। यहाँ पे NS मैट्रिक्स आई थी, PSIT में आई थी, यहाँ के बच्चे गए थे वहाँ पे। IBM भी PSIT में आई थी, UIT के बच्चे वहाँ पे गए थे लेकिन BTEC और BCA वाले एप्लीकेबल से, तो 2 बच्चे BTEC के और 2 BCA के प्लेस हो गए थे। तो ऐसे कई सारी कंपनी आई थी जहाँ पे प्लेसमेंट मिली है। तो आप इधर देख सकते हैं कैपगेमिनी,
PSIT में आई थी, इसमें प्लेसमेंट मिली थी बच्चों को, एंड फाई इनफॉर्म आई थी ऑन कैंपस इस कॉलेज में, TCS आई थी इस कॉलेज में ऑन कैंपस, BCS में, फिर आई थी कैपिगेमिनी 2020 में भी आई है। लेकिन 2020 का अगर डेटा आप देख रहे हो, 2020 में देखो कैपिगेमिनी, टेक महिंद्रा, NIT टेक्नोलॉजी, ऑप्टिमस, ये यहाँ पे देखोगे तो सिर्फ 4 या 5 कंपनी दिख रही होंगी, 4 कंपनी दिख रही हैं। बात करोगे UIT में कौन कौन सी विजिट की थी, तो यहाँ पे NIIT टेक्नोलॉजी और ऑप्टिमस, यही 2 कंपनी UIT में आई थी। खैर NIIT बहुत अच्छी कंपनी है और एक बच्चे को प्लेस भी किया था UIT के, और ऑप्टिमस भी एक अच्छी कंपनी है, इसने 2 बच्चों को प्लेस किया था। तो देखोगे 2020 में प्लेसमेंट का आंकड़ा थोड़ा घटा है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊं, यहाँ के 2 बच्चे 12 से 14 लाख के प्लेसमेंट पे प्लेस हुए हैं ऑफ कैंपस अमेजॉन में। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इस कॉलेज का, कि मतलब यहाँ के बच्चे काफी अच्छा माहौल क्रिएट करते हैं। ये सारी चीजें फैक्ट बातें हैं, और ठीक है। और जब मैं प्लेसमेंट के बारे में जान पाया स्टूडेंट से, तो मैं बताऊं यहाँ पे, तो कंपनी यार बहुत ज्यादा अमाउंट में बच्चे बता रहे थे नहीं आती हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा, और आप दिख रहा होगा कि यहाँ के आसपास, क्योंकि कानपुर एक ऐसा शहर है, इंडस्ट्रियल शहर है, तो यहाँ पे काफी ज्यादा कॉलेज है, लाइक जैसे गाजियाबाद, नोएडा, उसके बाद कानपुर, यही 3 ऐसे शहर है जहाँ पे कॉलेज की संख्या ज्यादा है और थोड़ी यहाँ पे कंपनी वगैरह है इन शहरों में। तो बच्चे एक दूसरे कॉलेज में जा जा के प्लेसमेंट ले रहे थे, तो ये चीज़ें थी। यहाँ पे PSIT में बच्चे गए थे, MPEC में बच्चे गए थे, तो ये बड़ी बात है यार यहाँ पे। तो ऑन कैंपस नंबर ऑफ कंपनी बहुत ज़्यादा आपको दिखने वाली नहीं है, और हाँ, ऑन कैंपस जब कंपनी ज़्यादा नहीं दिखेंगी तो प्लेसमेंट भी बहुत ज़्यादा होने वाला नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट नहीं होता, इस चीज़ को आपको अंदाजा लग गया होगा अभी तक स्टैटिक्स देख के। तो जो कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट जाता है वो अराउंड 2.5 to 3 लाख के आसपास है एवरेज प्लेसमेंट, और जो इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट गया था ऑन कैंपस, आप मान सकते हो 4 से 6 लाख के बीच में प्लेसमेंट रहता है, 4 से 6 लाख में UIT का ऑन कैंपस का हाईएस्ट प्लेसमेंट रहता है, ठीक है। ऑफ कैंपस में फिर बता रहा हूँ 12 से 14 लाख इस बार गया है, 14 लाख का प्लेसमेंट गया है इस बार UIT का, जो कि अमेजॉन में ऑफ कैंपस मिला है, ठीक है। डीशॉ में कई बच्चे यहाँ पे प्लेस हुए हैं, तो ये सब बहुत बड़ी बात है यार, यहाँ के स्टूडेंट ऐसा काम करते हैं, ठीक है। एंड बात करते हैं यार कॉलेज में कोडिंग कल्चर कैसा है। कॉलेज का कोडिंग कल्चर यार काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अगर आप CS IT तो अब है नहीं यहाँ पे, लेकिन CS in AI से है या CSE से है, EC से है, तो शायद कोडिंग आपको यहाँ पे जबरदस्त लगेगी। गेट एग्जाम के बारे में बता दे रहा हूँ, यहाँ के अराउंड 50% बच्चे, सारी ब्रांच को मिला दिया जाए तो 50% बच्चे ऐसे हैं जो फर्दर MTech करने जाते हैं, और 20% ऐसे बच्चे हैं जो कि अच्छे कॉलेज टॉप NIT IIT एंड IIIT से MTech कर रहे हैं। तो मतलब गेट का यहाँ पे माहौल काफी अच्छा है, अराउंड 80% बच्चे ऐसे हैं जो गेट एग्जाम को अप्लाई करते हैं। कोर ब्रांचेस के जो बच्चे हैं उनमें 80 से 85% बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम को ही टारगेट करते हैं, ऐसा नहीं है वो कोर कंपनी को टारगेट करते हैं। स्टार्टअप का माहौल भी काफी अच्छा है यार, यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो स्टार्टअप भी कर चुके हैं। एक ऐसे यहाँ के स्टूडेंट हैं जो नोएडा में जाकर रोबोटिक्स से रिलेटेड कोई कंपनी खोल रखी है। कॉलेज में स्टार्टअप से रिलेटेड फंड भी आपको मिल जाता है, ठीक है, ऐसी बात नहीं कॉलेज आपको फंड नहीं प्रोवाइड करता है, कई बच्चे फंड लेते हैं और आपको कंपनी का जो भी स्टार्टअप आप स्टार्ट कर रहे हैं उसका एफिलिएशन कॉलेज प्रोवाइड कर देता है। तो स्टार्टअप के लिए भी आप इधर जा सकते हो, आई थिंक आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे शिवम सिंह ने प्रोवाइड की थी, मैं उनकी Insta ID आपको दिख रही होगी, आप इस Insta ID को, शिवम सिंह की Insta ID को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वो अभी शिवम सिंह इस समय यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में BTech कर रहे हैं, 4th ईयर है उनका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच से। तो उन्होंने मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन दी थी और कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने अदर सोर्सेज से भी इकट्ठा की थी, तो आप उनसे चाहें तो इसके बारे में इकट्ठा सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, तो कई सारी चीज़ें आपको इंटरनली भी बता देंगे, ठीक है। इसी के साथ यार चलते हैं, थैंक यू, टेक केयर। वीडियो को यार अगर आप तक अभी तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर देना भाई, आपको और ऐसी कॉलेज रिव्यू की वीडियो मिलती रहेंगी। तब तक के लिए चलते हैं, सी या गुड डे, थैंक यू, टेक केयर, बाय।